हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक डिलाइटफुल। दीपावली आने वाली है और हम सभी के घर में कुछ ना कुछ मीठा और लड्डू तो बनते ही हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ झटपट बनने वाले एकदम दानेदार हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू, जो बच्चों से लेकर बड़ों को सभी को बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो यहाँ पे मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप नॉर्मल बेसन लिया है, 1 कप लिया है मैंने बूरा और 1/2 कप लिया है मैंने घी। आप कोई भी एक कटोरी सेट कर लें और सारी चीज़ें आप उससे माप कर लें तो आपके लड्डू भी एकदम परफेक्ट बन के रेडी होंगे। यहाँ मैंने कढ़ाई को गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है और इस समय फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और उसमें डाल देंगे घी। घी हमें एक साथ नहीं डालना है, यहाँ मैं 1/2 घी डाल रही हूँ बस, मैंने 3 से 4 चम्मच घी बचा लिया है इसमें। और घी को मेल्ट होने देंगे, जैसे घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम बेसन ऐड करेंगे। तो बेसन को छान कर लें और इसे लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है। बेसन को भूनते समय फ्लेम को हमें हाई नहीं रखना है, नहीं तो बेसन ऊपर से कलर चेंज हो जाएगा मगर अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो इसको हमें लो फ्लेम पर ही भूनना है। बेसन को भूनने में लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है और इसको मैं लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। इस समय मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 2 चम्मच में घी और ऐड कर रही हूँ और इसको हमें बेसन के साथ मिलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बीच बीच में फ्लेम को हम हल्का सा मीडियम कर देंगे और फिर इसे लो करके इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। इसको आप देख सकते हैं इस समय इसका हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब लास्ट में जो थोड़ा घी बचा था उसको भी डाल देंगे। बेसन में मैंने 1/2 कप घी सारा डाल दिया है, 2 कप बेसन में 1/2 कप घी एकदम परफेक्ट माप है और इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। जितना अच्छा आप बेसन भूनेंगे उतने ही अच्छे लड्डू आपके बन के रेडी होंगे। आप देख सकते हैं इस समय बेसन का कलर एकदम चेंज हो चुका है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमारा बेसन भून कर रेडी है, तो फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी। पानी डालते ही आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे बबल्स बनने लगे हैं, इसी की वजह से हमारे लड्डू काफ़ी दानेदार बन के रेडी होंगे। इस समय कढ़ाई बहुत गर्म है तो या तो आप बेसन को किसी प्लेट में निकाल लें या फिर इसको ऐसे ही थोड़ी देर तक लगातार चलाते रहें। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो बेसन नीचे से जलने के चांस रहते हैं जिससे लड्डू का स्वाद खराब हो जाता है। अभी बेसन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अभी बेसन अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर, इससे इस लड्डू का टेस्ट और बढ़ जाता है। और साथ ही डाल देंगे इसमें बूरा, जिसे तगार भी कहते हैं। बूरे को एक साथ मत डालिए, बस ज़रा ज़रा से डाल के साथ में मिलाते जाइए। लड्डू में मीठा आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी बचा बूरा भी मैंने डाल दिया है और इसको भी बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर लड्डू का मिक्सन तैयार है, तो आप इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और हथेली की सहायता से दबा दबा कर गोल लड्डू बनाकर रेडी करेंगे और इसे गोल गोल घुमा करके चिकना कर लेंगे। ऊपर से चाहें तो पिस्ते से गार्निश कर सकते हैं इस तरीके से। तो हमारा लड्डू तैयार है, इसे प्लेट में रख देंगे और बाकी भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। इस तरीके से लड्डू बनाना बहुत आसान है, जब भी आपका मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। लास्ट में मैंने इसे गार्निश किया है थोड़े से चांदी के वर्क से, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगाएं वरना इसे स्किप कर दें। मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बन के रेडी हुआ है। लग रहा है ना एकदम हलवाइयों जैसा, जैसे कि अभी बाजार से लेके आए हो। तो लीजिए, तैयार है झटपट बनने वाले एकदम दानेदार हलवाई स्टाइल बेसन लड्डू। तो आने वाले इन त्योहारों में आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।